तो दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। हेलो नमस्ते और प्यार भरा नमस्कार। एक नया दिन, एक नई शुरुआत और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है मेरे गांव डुमड्डी से। डुमड्डी झारखंड के गुमला जिले का एक छोटा सा गांव है। सुबह से बहुत ज़्यादा गर्मी है, उमस भरा है और हवाएं हल्के हल्के चल रही है, लेकिन कोई राहत नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अभी रेडी हूँ कहीं जाने के लिए। और कहाँ जा रहा हूँ ये आपको भी बता देता हूँ। मैं जा रहा हूँ गुमला टाउन की ओर, क्योंकि वहाँ कुछ काम है। और इसी बहाने मैंने सोचा कि आपको वहाँ का पार्क भी दिखा दूँ, जो है गुमला पार्क, क्या एक्चुअल में नाम है उसका, वहाँ जाके मैं बताऊँगा। और काम निपटा के मैं मिलूँगा आपसे सीधे पार्क के पास और दिखाऊँगा कि वहाँ दिखाने लायक क्या क्या चीज़ें हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों हम लोग अभी आ गए हैं पार्क के पास और ये देखिए, यह है पार्क का गेट, यह है टिकट काउंटर। तो अभी हम लोग कराएँगे यहाँ पर टिकट। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर फटाफट, क्योंकि देखिए बारिश भी आने वाली है। दो टिकट दीजिए, 15 रुपया, ₹1,000, ₹5। तो ये है बिरसा मुंडा एग्रो पार्क, सामने देखिए जोहार लिखा हुआ है और दीवार पर खूबसूरत सा पेंटिंग बनाया हुआ है दोनों तरफ। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर। अभी हम लोग जा रहे हैं पार्क के अंदर और इधर देखिए एक बड़ा सा हाथी का मूर्ति बनाया हुआ है। खूबसूरत सा माहौल है यहाँ पर, मौसम भी आज साथ दे रहा है। सुबह से गर्मी थी लेकिन अभी कोई गर्मी नहीं है, पूरा बादल लगा हुआ है। और देखिए किसी के घर जाते हैं तो पहले उसको पानी के लिए पूछा जाता है। तो जैसे ही हमने यहाँ से गेट से एंट्री किया और ये पानी की देवी हम लोग को पानी पिलाएगी अभी, और इसके लिए एक बटन है जिसको दबाना पड़ता है। तो ये रहा वो बटन, देखिए इसको दबाएंगे तो यहाँ से निकलेगा पानी। तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ पर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पार्क के अंदर और देखिए यहाँ पर एक डायनासोर बना हुआ है। गुमला का एकमात्र ये पार्क है दोस्तों। तो अभी मैं आपको लिए चलता हूँ और आगे। यहाँ पर बना हुआ है बिरसा मुंडा का एक विशाल मूर्ति और इसका उद्घाटन हुआ था 13/7/2006 को, जैसा शिलापट में लिखा हुआ है देखिए। और रास्ता कुछ ऐसा बना हुआ है, देखिए किनारे किनारे कितना खूबसूरत ये झाड़ियाँ डेकोरेशन वाली। और यहाँ से सीधे जाता है बीच में पार्क के, यहाँ पर भी एक मॉन्यूमेंट जैसा बनाया हुआ है, अभी हम लोग वहाँ जाएंगे। यहाँ पर आपको घास के पूरे चादर दिखाई दे रहे हैं वाइट, क्योंकि यहाँ पर घास काटा हुआ है अभी, लेकिन जब भी हरा हो जाता है तो कितना खूबसूरत लगता है। देखिए तीन महिलाएं, दो इधर से दिख रही हैं, एक पीछे घड़ा लेकर खड़ी है और इनके घड़े से निकलता है पानी, लेकिन अभी तो नहीं निकल रहा। तो कुछ ऐसा यहाँ पर सीन है और इसको हम लोग नज़दीक से देखेंगे। तो देखिए ये छोटे छोटे पत्थरों को कैसे सजा कर रखा गया है और इसके नीचे है पानी, ऊपर से जो पानी निकलता है घड़े से वो यहीं आकर गिरता है।
और अभी पार्क में साफ सफाई का काम भी चल रहा है। देखिए यहाँ पर गुलाब के पौधे आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये सारे अभी सूखे हुए हैं तो इसकी कटिंग हो रही है, साफ सफाई हो रही है। आप सामने देखिए एक स्टाफ यहाँ पर घास की कटिंग कर रहा है। आते हैं, और कोरोना में बिल्कुल पार्क बंद था तो इसकी मेंटेनेंस भी बंद थी, और अभी जैसे ही पार्क खुला है कोरोना के बाद तो अभी इसकी मेंटेनेंस चालू हो गई है। तो अभी हम लोग बैठे हैं फाउंटेन के पास। यहाँ पर पार्क में एक फाउंटेन बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए अभी कोई पानी नहीं है, यहाँ पाइप से ऐसे पानी भरा जा रहा है। देखिए यहाँ पर तो कुछ ऐसा दिखेगा, अगर भर जाएगा तो कितना खूबसूरत लगेगा जब यहाँ से फाउंटेन स्टार्ट किया जाएगा, तो कितना खूबसूरत नज़ारा होगा। आसपास हरियाली चारों ओर, अब देखिए आप यहाँ पर बना हुआ है एक मचान जिसमें सीढ़ियाँ लगी हुई है। देखिए दोस्तों, पार्क में हमको क्या देखने को मिला, यहाँ पर है ईमू और अंदर देखिए कबूतर और कुछ खरगोश भी हैं। गर्र कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ से है चढ़ने का रास्ता, और यहाँ से हम लोग ये चल रहे हैं ऊपर। ऐसा कुछ ऊपर से दिखता है दोस्तों, देखिए सब लोग फोटो खिंचाने में बिजी हैं। और हम जा रहे हैं और ऊपर, तो ये हम आ गए मचान के ऊपर। और देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा है, पेड़ को छोड़कर किनारे किनारे से पूरा लकड़ी का पट्टा दिया हुआ है, और इसके किनारे किनारे रेलिंग। चलिए चलते हैं नीचे और आपको दिखाते हैं और क्या क्या है इस पार्क में। यहाँ देखिए दोस्तों एक चूहा, और ये ईमू, अंदर वाइट कलर के कबूतर और खरगोश। यहाँ पर एक मगरमच्छ भी है, तो देखिए मगरमच्छ का मुंह कैसे खुला हुआ है। और निकल गए हम इसके पूंछ की तरफ, और ठीक इसके सामने दिखा हमको तालाब। तालाब का पानी अभी गंदा है, और यहाँ पर देखिए बड़ी सी मछली आपको दिखाई दे रही होगी, यह है एक्वेरियम यहाँ का। ये इधर भी एक तालाब बना हुआ है, और इसको जोड़ते हुए एक तालाब उधर भी है जहाँ पर बोटिंग भी होती है, और बीच में बना हुआ है दो पुल, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो अभी हम लोग इसके ऊपर से चलेंगे। ये हम आ गए पुल के ऊपर, पुल देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, और यहाँ पर मछली भी है बड़ी बड़ी। यहाँ पर मछली ऑरेंज कलर की आपको दिखाई दे रही होगी,
ये दोस्तों बारिश भी अब होने लगी हल्की फुल्की और आसमान में पूरे काले बादल छा गए हैं, तो थोड़ी देर में लगता है कि ज़ोरों से बारिश होगी। और अभी हमें आधा ही घुमा है इस पार्क को, तो कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पर, ऐसा बनाया हुआ है रेलगाड़ी। तो ये आ गए हम दूसरे तालाब की तरफ और यहाँ पर बोट का स्ट्रक्चर देखिए, पूरा हंस बना हुआ है। और इस बोट में पहिए लगे हुए हैं देखिए। पानी अभी फ़िलहाल गंदा है और बोटिंग भी बंद है, लेकिन जब बोटिंग यहाँ होती है तो बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं। देखिए पानी में बारिश की बूंदें कैसे टप टप दिखाई दे रही। तो यहाँ पर बनाया गया है बैठने के लिए कुछ ऐसे, देखिए दोनों ओर मोर का सिर और बीच में मोर का डिजाइन, कितना खूबसूरत लग रहा है। और इधर एक सांप, सांप का पूरा पूंछ तक, और ये इधर का मोर का शरीर, यहाँ से मोर का सिर। देखिए दोस्तों यहाँ पर पानी यहाँ से निकलना शुरू हो चुका है घड़े से, और ऐसा कुछ दिखता है यहाँ पर खूबसूरत। देखिए ऊपर से पानी गिरते हुए नीचे तक आता है। बारिश शुरू हो चुकी है लेकिन बच्चे कैसे खेल रहे हैं देखिए, काफ़ी मस्ती करते हुए। और बच्चों के साथ साथ बड़े भी यहाँ पर मस्ती कर लेते हैं। तो पार्क के अंदर है एक रेलवे लाइन, देखिए एक छोटा सा बच्चों का टॉय ट्रेन, ये है घाघरा स्टेशन। फिर यहाँ से पटरी आती है, यहाँ से है रेल, इसमें हम लोग बैठेंगे। गाड़ी चलेगी नहीं क्योंकि ये अभी बंद है, और ये है टॉय ट्रेन यहाँ का, इसका इंजन देखिए यहाँ पर ऐसा है, छुक 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 रेलगाड़ी, ये चल जाएगी। ये है गुमला स्टेशन और उससे आगे है घाघरा स्टेशन। दोस्तों बारिश शुरू हो चुकी है और देखिए कैमरे में पूरी बारिश की बूंदें लगी हुई है और ज़ोर से बारिश शुरू हो चुकी है। तो हम लोग अभी फटाफट निकलते हैं यहाँ से क्योंकि मोबाइल भींग जाएगा और ख़राब होने के चांस है, तो
अगली वीडियो आना मुश्किल हो जाएगी अगर मोबाइल ख़राब हो जाएगा तो अभी निकलते हैं हम लोग यहाँ से फटाफट।